चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं आपके, जो पीछे भी पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इस तरह के आपके 14 टेस्ट, ये 14वां टेस्ट है और 13 टेस्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं। कितने? 13 टेस्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं। याद रखिए, सभी टेस्ट आपके टेस्ट सीरीज 4 आईएएस पीसीएस के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची है उसमें डले हुए हैं। और एक बात और याद रखिए, इसकी जो भी पीडीएफ होती है वो टेलीग्राम पर डाल दी जाती है, ठीक है? तो वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग पढ़ते रहिए। तो चलिए, 14वीं टेस्ट का हम लोग पहला क्वेश्चन से देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? वाइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या वाइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है? बोल्ट एक ऐसी तकनीक है जिसमें आवाज़ की गुणवत्ता को कम किए बिना ही आवाज़ और डेटा को एक साथ नेटवर्क पर भेजा जा सकता है। दूसरी ओर एलटी में आवाज़ और डेटा को एक साथ नेटवर्क पर नहीं भेजा जा सकता है। ये आपका बिल्कुल सही है कथन। बोल्ट और एलटीई दोनों 4G तकनीकी हैं। ये भी आपका सही है। इसमें पूछ क्या रहा है? उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन आपका पूछ रहा है। तो एक कथन भी आपका सही है और दूसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही है। क्या है? एक कथन भी आपका सही है और दूसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही है। तो एलटीई यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूर संघ के रेडियो क्षेत्र द्वारा स्थापित बोल्ट और एलटीई दोनों 4G की तकनीकी हैं। क्या है? दोनों 4G की तकनीकी हैं। अब आप भी जानते हैं कि 3G का टाइम खत्म हो गया, अब तो 4G 5G में आप लोग लॉन्ग जाएंगे, ठीक है? एक समय आप 2G चलाया करते थे, फिर आपने देखा 3G, आज आप लोग 4G चला रहे हैं। तो इसमें आपके दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मुक्त अंतरिक्ष प्रकाशिकी FSO तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुक्त अंतरिक्ष प्रकाशिकी तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। यह ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का एक विकल्प है। यह ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का एक विकल्प है। बिल्कुल सही बात है। क्या है? बिल्कुल सही है आपका। इसमें डाटा संचरित करने के लिए मुक्त वायु स्पेक्ट्रम की आवश्यकता होती है। ये आपका गलत है। FSO यानी कि मुक्त अंतरिक्ष विकास की नेटवर्क ब्रॉडबैंड की तुलना में बेहतर स्पीड प्रदान करता है। ये सही है, कर सकता है, ठीक है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप एक और तीन कथन सही है। एक बात और याद रखिए, इस पॉइंट को आप लोग या तो पहले पढ़ सकते हैं क्वेश्चन से, उसके बाद आप इन्हें देख सकते हैं, या फिर बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसे क्या करना है? बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि इसकी वजह से आप लोग कई बार क्वेश्चंस आते हुए भी हम लोग गलत कर बैठते हैं, ठीक है? तो इसमें आपका एक और तीन सही है, दूसरा आपका गलत है। दूसरा गलत क्यों है? अगर इसकी बात की जाए तो FSO यानी कि मुक्त अंतरिक्ष प्रकाशिकी सिस्टम में पूर्ण डुप्लेक्स दो दिशाओं से देने के लिए दोनों छोर पर ऑप्टिकल ट्रांसीवर लगे होते हैं। FOS एक लॉस यानी कि लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी है, जहां डाटा आवाज तथा वीडियो संचार फुल डुप्लेक्स कनेक्टिविटी के माध्यम से अधिकतम 10 GB/s के साथ प्राप्त किया जाता है। इसके कार्य के लिए किसी प्रकार की एयर स्पेक्ट्रम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है? वायु स्पेक्ट्रम की आवश्यकता नहीं होती है इस तकनीक के लिए, ठीक है? तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? एक और तीन सही, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में कौन साइबर फिजिकल सिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेंसर और एक्टुएटर्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, स्मार्टफोन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी।
ये पांचों हो सकते हैं आपके, क्या हो सकते हैं, पांचों हो सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो पांचों इसमें शामिल है आपके। साइबर फिजिकल सिस्टम CPS गणना, नेटवर्किंग और भौतिक प्रक्रियाओं का एकीकरण है। इस प्रकार के सिस्टम की आर्थिक और सामाजिक क्षमता अधिक होती है और इस टेक्नोलॉजी के विषय के लिए विश्व भर में निवेश किए जा रहे हैं। अभी इस टेक्नोलॉजी का निर्माण एम्बेडेड सिस्टम की पुरानी पद्धति से किया गया है और इस डिवाइस में कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को एम्बेडेड किया जाता है, जिसका सैद्धांतिक मिशन गणना करना नहीं होता है, जैसे कार, खिलौने, मेडिकल डिवाइस, वैज्ञानिक उपकरण। इसमें यह बहुआयामी क्षेत्रों को घेर लेता है, जिसमें आप देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, बिग डाटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंट्रोल सिस्टम, सेंसर, रोबोटिक्स, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी को शामिल किया जाता है। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, डी ऑप्शन। क्या है डी ऑप्शन? क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किससे कोशिका के ऊर्जा ग्रह के रूप में जाना जाता है? ये तो आपका वन डे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है, पता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका की ऊर्जा ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि माइटोकांडिया को कोशिका के ऊर्जा ग्रह के रूप में हम लोग जानते हैं। कोशिका के अंदर विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा आपकी माइटोकांडिया द्वारा ATP यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं के रूप में जारी की जाती है। ठीक है, ये माइटोकांडिया आप सोचिए कि इसका अर्थ होता है अनोखा अंग। उसका अपना DNA और राइबोसोम भी होते हैं, इसलिए माइटोकांडिया अपने स्वयं से कुछ प्रोटीन में समर्थ होती है, स्वयं के कुछ प्रोटीनों में समर्थ भी होती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जीवों को विभिन्न स्तरों पर वर्गीकृत करने का सही अनुक्रम है? किंगडम, संघ, क्रम, वंश। ये आपका बी ऑप्शन सही है। क्या है? बी ऑप्शन सही है। विज्ञान में जीवों को वर्गीकृत करने की पद्धति को वर्गीकरण यानी कि टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। टैक्सिस का अर्थ होता है व्यवस्था और सोमोस का अर्थ होता है पद्धति। आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली स्वीडिश वनस्पति शास्त्री कारोलस, जिसे हम लोग कार्ल के नाम से भी जानते थे, कार्ल लीनियस द्वारा विकसित की गई थी। उन्होंने विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के बीच पहचान और भेद करने के लिए जीवों का साधारण शारीरिक विशेषताओं का इस्तेमाल किया है। कार्ल लीनियस ने वर्गीकरण के लिए समूह का एक पदानुक्रम विकसित किया है। समानता के विभिन्न स्तर में भेद करने के लिए प्रत्येक वर्गीय समूह, जिसे टैक्सोन कहते हैं, उसे अन्य समूहों में उपविभाजित किया जाता है। क्रम याद रखने के लिए स्मारक मनमोनिक डिवाइस का उपयोग करना लाभदायक होता है। इसमें आप देखेंगे जैसे प्रजाति हो गया, फिर आप देखेंगे वंश हो गया, परिवार, क्रम, वर्ग, संघ, या फिर संघ इसे ही हम लोग प्रभाग कहते हैं पौधों के लिए, और किंगडम। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वांटम कम्युनिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वांटम कम्युनिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। क्वांटम संलग्न कण एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि किसी एक में किया गया परिवर्तन दूसरे को प्रभावित करता है, भले ही वे एक दूसरे से अरबों मील दूर हों। बिल्कुल सही बात है। क्या है? बिल्कुल आपका सही है। सिद्धांतिक रूप से क्वांटम संलग्नता द्वारा प्रकाश संचार से भी तेज गति प्राप्त की जा सकती है। ये आपका गलत है। क्या है? ये गलत है। पूछ कह रहा है उपयोग कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो आप देख रहे होंगे कि पहला कथन इसमें केवल सही है, दूसरा गलत है। क्या है? दूसरा गलत है, क्योंकि क्वांटम संलग्नता विकास संचार से तेज गति से विशिष्ट जानकारी
का संप्रेषण करने में सक्षम नहीं बनाती है। क्वांटम संलग्नता एक क्वांटम यांत्रिक घटना है जिसमें दो या फिर अधिक पदार्थों की क्वांटम की स्थितियां एक दूसरे के संदर्भ में वर्णित होती हैं, भले ही ये पदार्थ कितने भी दूर क्यों ना हो, स्थानिक रूप से अलग अलग हो सकते हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका केवल एक सही था, ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। पहला कथन है आपका, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध थोरियम भंडारों का उपयोग करना है। बिल्कुल सही कथन है। पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम का संवर्धन आवश्यक नहीं है, ये भी आपका सही है। भारत के पहले प्रोटोटाइप फास्ट वीडर रिएक्टर का निर्माण भारत परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है, ये आपका गलत है। क्या है? ये आपका गलत है। तीसरा कथन आपका गलत है। पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपने देखा है, पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी आपका सही है। दूसरा कथन कैसा है? सही है। दूसरा कथन सही है और पहला कथन सही है। तीसरा गलत क्यों है? अगर इसके बारे में भी बात करूं, भारत का पहला 500 मेगावाट का फास्ट वीडर परमाणु रिएक्टर का वर्तमान में कल्पक्कम में मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा निर्मित किया जा रहा है। किसके द्वारा? भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा। ये आपका मद्रास में, कहा मद्रास में, कल्पक्कम में। ठीक है, याद रखिए। तो इसमें आपका सही पूछ रहा था, केवल एक और दो कथन सही था, तीसरा आपका गलत था। भारत का तीन चरणों वाला परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, इसे आप देखते हैं, वर्ष 1950 में होमी भाभा ने दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्रों के मोनाजाइट बालू में पाए जाने वाले यूरेनियम और थोरियम के भंडारों द्वारा देश के लिए लंबे समय तक ऊर्जा निर्भरता सुरक्षित करने के लिए इनके उपयोग की अवधारणा प्रतिपादित की थी। इसलिए कहते हैं, इन्हें जनक भी कहते हैं इसका। और इस चरण का मुख्य उद्देश्य देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के थोरियम भंडारों का इस्तेमाल करना है। इसमें अगर हम लोग पहला स्टेज यानी कि पहला चरण देखें तो दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर PHWR पहले चरण में विद्युत उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन वाले भारी दबाव युक्त जल रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया, जिससे एक उप उत्पाद प्लूटोनियम 239 प्राप्त हुआ उत्पन्न होता है। ठीक है, और दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा चरण फास्ट वीडर रिएक्टर FBR दूसरे चरण में FBR प्लूटोनियम 239 का उपयोग करेगा, जिसे प्रथम चरण से और तथा प्राकृतिक यूरेनियम से प्राप्त किया जाएगा। और तीसरे चरण की बात करूं तो थोरियम आधारित रिएक्टर होगा। तीसरे चरण के लिए रिएक्टर में यूरेनियम 233 का उपयोग किया जाएगा, यूरेनियम 233 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्मोवारिक विस्फोटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थर्मोवारिक विस्फोटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह परमाणु हथियार का एक प्रकार है, गलत है। पानी के अंदर अधिक ऊंचाई पर और प्रतिकूल मौसम में उपयोग की दृष्टि से यह अनुपयुक्त है, यह आपका बिल्कुल सही है। क्या है? ये आपका बिल्कुल सही है। पूछ के आ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही था? सही है, तो केवल आपका दूसरा कथन सही है। क्या है? दूसरा कथन आपका सही है। थर्मोबारिक एक संयुक्त शब्द है जो ग्रीक शब्द थर्म और बारोस से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्रमशः ऊष्मा और दबाव होता है। इस श्रेणी के हथियारों की मुख्य विशेषता यह है कि ये बड़े आग का गोला बनाने
और विस्फोटक करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, सामान्य तौर से TBX यानी कि थर्मोबारिक विस्फोटक में एक केंद्रीय आवेश कोर्स को सामान्यतः एक उच्च विस्फोटक होता है और एक बाह्य द्वितीयक आवेश यानी कि ईंधन से परिपूर्ण होता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि TBX के विस्फोट में दोहरी क्रिया होती है, पहली पारंपरिक उच्च विस्फोट कोर में आवासीय क्रिया बिना ऑक्सीजन की, और दूसरी वायवीय ज्वलन की क्रिया जो मुख्य रूप से आसपास की वायु उपभोग पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसमें क्या लगाएंगे, केवल दूसरा कथन। पहले आपके इस तरह के क्वेश्चंस केवल UPSC में पूछे जाते थे प्रीलिम्स में, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि बिहार में भी पूछने लगे, मध्य प्रदेश में काफ़ी क्वेश्चंस अभी भी वन डे एग्जाम की तरह पूछे जाते हैं, यानी कि वन लाइनर में, एक तरह से वन लाइन में एक क्वेश्चन दे दिया गया और उसके चार ऑब्जेक्टिव दे दिए गए। लेकिन UPPCS में आप देख रहे हैं कि समय बदलते हुए इसमें भी UPSC के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे, अब कोई फर्क नहीं रहेगा लगभग। तो आप लोग बड़े उससे इस तरह के क्वेश्चंस जिस भी परीक्षा में आपके पूछे जाए उन सभी के लिए जरूरी यानी कि महत्वपूर्ण है। ठीक, क्वेश्चन हमारे सामने, नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जा सकता है। नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जा सकता है, खाद्य संरक्षण, चिकित्सा उपचार, विद्युत उत्पादन, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, धुएं का पता लगाना, पांचों में किया जा सकता है। किस में? पांचों में किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो आप जानते हैं कि इन नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग आप सभी क्षेत्रों में कर सकते हैं, सभी क्षेत्रों में। नाभिकीय विज्ञान के अंतर्गत नाभिकीय केंद्रिका का आणविक अभिक्रियाओं से जुड़े परमाणुओं के संसार का अध्ययन किया जाता है। नाभिकीय विज्ञान यह अध्ययन करता है कि एक केंद्रिका से ऊर्जा कैसी निकलती है, जब उसमें कुछ बदलाव किया जाता है तो नाभिकीय प्रौद्योगिकी विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, औषधि आदि के क्षेत्रों में अनुपयोग के परिणामों से संबंधित होती है। खाद्य परीक्षण की बात करूं, अगर खाद्य संरक्षण या परीक्षण, तो निष्क्रिय कीटों को मारने के लिए विकिरण चिकित्सा का उपयोग किया जाता है तथा जीवाणु प्रदूषण के स्तर को कम किया जाता है, और फलों और सब्जियों के मामले में उनके पकने में लगने वाले समय को कम कर खाद्य सामानों को परिरक्षित किया जाता है। मेडिकल थेरेपी की अगर बात करें, चिकित्सा की, तो विशिष्ट असमर्थ कोशिकाओं को नष्ट करने या उन्हें रोकने के लिए रेडियो समस्थानिकों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड की जांच के लिए, और थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। किसका? आयोडीन 131 का। ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं कि आयोडीन 131 का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो याद रखिए, थायराइड की जांच के लिए और थायराइड ग्रंथि में अगर कैंसर होता है तो उसके उपचार के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। विद्युत उत्पादन की बात करूं अगर, तो रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन द्वारा नियंत्रित परमाणविक श्रृंखला अभिक्रिया से विद्युत का उत्पादन करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। रेडियो एक्टिव डेटिंग की अगर बात करें, तो यह किसी वस्तु की आयु निर्धारण की एक विधि होती है। रेडियो एक्टिव डेटिंग आप लोगों ने इतिहास में देखा भी होगा, जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं और या इसमें पाई जाने वाली प्राकृतिक परमाणु विखंडन की मात्रा होती है। इसके द्वारा आप क्या कहते हैं, आयु निर्धारित करते हैं। अन्य व्यावसायिक व औद्योगिक उपयोग में भी हवाई इसका उपयोग करते हैं, जैसे हवाई अड्डों पर सुरक्षा जाल, निर्माण पदार्थों की घनत्व की जाल, धुएं के पता लगाना या पेसमेकर आदि में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लगाओगे आप लोग, डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, मैलवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में पर विचार करना है। मैलवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ट्रोजन हॉर्स या नेटवर्क के माध्यम से फैलने के लिए स्वयं की प्रतिकृतियां बनाता है, गलत है। एडवेयर विज्ञापन में काम आने वाला एक सॉफ्टवेयर है, सही है। रैनसमवेयर जब तक मांगी गई धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता तब तक कंप्यूटर तक पहुंच को बाधित कर देता है, एक तरह से ये वायरस है। सॉरी, ये भी आपका क्या है, सही है। तीसरा आपका सही है।
उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है? तो आप देख रहे हैं दूसरा भी सही है आपका और तीसरा भी सही है। याद रखिए, अगर कहीं मुझसे गलती हो जाती है और मैं गलत बता देता हूँ तो आप लोग सही करके उसका नीचे लिख दिया करिएगा आंसर। वैसे तो कोशिश तो यही रहती है कि आपको सही बताए, फिर भी अगर गलती हो जाती है तो आप लोग है ना, मैं यही सोच कर छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो इसमें आपका 2 और 3 सही है, लेकिन पहला गलत क्यों है उस पर भी बात कर लेता हूँ। ट्रोजन हॉर्स ऐसा दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं को उसके वास्तविक लक्ष्य से भ्रमित करता है, और आमतौर पर सोशल इंजीनियरिंग के किसी न किसी रूप से इसका प्रसार होता है। कंप्यूटर वायरस के विपरीत ट्रोजन ना तो स्वयं को अन्य फाइलों में इंजेक्ट करने का प्रयास करते हैं, ना ही स्वयं को विचारित करते हैं। अन्य कंप्यूटरों में फैलने के लिए स्वयं को दोहराने की प्रवृत्ति क्रिमी में होती है। किसमें? क्रिमी में, बॉर्म्स में। और मेलवेयर एक सार्वभौमिक शब्द है, याद रखिए मेलवेयर कैसा है, एक सार्वभौमिक शब्द है जिसका प्रयोग हानिकारक फिर अनुचित रूप से दखल देने वाले सॉफ्टवेयरों के विभिन्न रूपों जिसमें कंप्यूटर वायरस, बॉम्ब्स, ट्रोजन इत्यादि शामिल होते हैं, इनको प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। ट्रोजन हॉर्सेस रैनवेयर, रैनसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, स्कीयरवेयर, अन्य दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम भी इसके अंतर्गत आते हैं। आपके क्या होता है, ये एक तरह से अब वायरस कह देते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसमें केवल आपका 2 और 3 सही था, पहला आपका गलत था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। जीएसएम में संचार चैनल के समय विभाजन की तकनीक का इस्तेमाल एक साथ प्रेषित डेटा की मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है आपका कथन, क्या है, बिल्कुल सही है। CDMA में डेटा डिजिटल रूम में होता है और पूरे उपलब्ध ब्रांड बिट का विस्तारित होता है, ये भी आपका सही है। WiMAX बढ़ी हुई रेंज के साथ साथ वाईफाई का एक विकल्प भी है, ये भी आपका सही है। पूछ क्या रहा है, सही कथन बताना है, तो आप देख रहे हैं तीनों कथन आपके सही है, 2 भी सही है और तीसरा भी आपका सही है। वैसे आप जानते होंगे कि GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल यह दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किया गया मानक है, और यह मानक यूरोप में 900 MHz और 1800 MHz आवृत्ति बैंड, और अमेरिका में आप देखेंगे 1900 MHz बैंड का उपयोग करता है। यह एक साथ फिर से डेटा की मात्रा बढ़ाने के लिए संचार चैनलों की समय विभाजन की एक तकनीक है, TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का उपयोग करता है। और GPRS इसे आप लोग जनरल पैकेट रेडियो स्टेशन कह देते हैं, 2.5G फिर 114 KB/s का सिद्धांत डेटा, EDGE इनहेंस डेटा रेट्स फॉर ग्लोबल इवोल्यूशन 384 KBPS की दर से 2.75G सिद्धांतिक डेटा है, कैसा, सिद्धांतिक। और CDMA इसे आप लोग कहते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और बाईमिक्स फिर आपका बाईमिक्स जिसे आप लोग कह देते हैं वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेसर। ठीक है, तो इसमें आपके तीनों कथन सही थे, क्या थे तीनों कथन, बिल्कुल सही थे आपके। क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वांटम संचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वांटम संचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संचार को हैकिंग से सुरक्षित बनाया जा सकता है, सही है। पहला क्वांटम संचार उपग्रह मिसियस था जिसे 2016 में प्रक्षेपित किया गया था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। भारत ने मिसियस के विकास में सक्रिय रूप से सहयोग किया, ये आपका गलत है, क्या है, ये बिल्कुल आपका गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो आप देख रहे हैं कि एक कथन भी सही है आपका, 2 भी सही है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। तीसरा गलत कथन आपका गलत क्यों है, अगर इसकी भी बात करूँ तो चीन की ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद इस क्षेत्र में इसरो ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। बेंगलोर में
रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के साथ क्वांटम प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है। इसरो को उपग्रहों के ऐसे नेटवर्क को स्थापित करने की आवश्यकता होगी, लेकिन भारत ने इसे इसमें सक्रिय रूप से सहयोग नहीं लिया था। ये चीन का था, किसका था? चीन का था, ठीक है, याद रखिए। इसमें आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है अगला हमारा, निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। प्रोजेक्ट लून दुर्गम स्थानों तक इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक अनुसंधान परियोजना है, ये सही है। इसमें झोपमंडल के ऊपरी हिस्से में गुब्बारे स्थापित किए जाते हैं, गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप देख रहे हैं कि पहला केवल कथन आपका सही है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे प्रोजेक्ट लून के गुब्बारे को विमानों या फिर वन्य जीवन और मौसम की घटनाओं से ऊपर स्थित समता मंडल की परिस्थितियों में भी बने रहने के हिसाब से डिजाइन और निर्मित किया गया है, जहाँ हवाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रवाहित हो सकती हैं। तो झोप मंडल में नहीं, कहा समता मंडल में, इसे भी आप लोग याद रखिए। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में क्लाउड बेस्ड सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में क्लाउड बेस्ड सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तेलंगाना अपने विभागों को उनके डेटा भंडारण को क्लाउड पर स्थानांतरित करने के लिए आदेश देने वाला पहला राज्य बना, गलत है। क्या है? गलत है। डिजी लॉकर सेवा एक क्लाउड आधारित सेवा है जो भारतीय नागरिकों को कुछ आधिकारिक दस्तावेजों को क्लाउड पर भंडारित करने में सक्षम बनाती है। ये आपका बिल्कुल सही है। आप लोगों ने कुछ समय पहले इसे देखा होगा, चर्चाओं में बना हुआ था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? दूसरा कथन आपका सही है। पहला इसमें गलत है। पहला क्यों गलत है? क्लाउड स्टोरेज एक सर्विस मॉडल है जिसमें डेटा का रखरखाव, प्रबंधन और दूरस्थ रूप से बैकअप और उसे नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। आप देखते हैं कि आप अपनी गाड़ियों का जो भी कागज होते हैं, डॉक्यूमेंट, उन्हें भी इस पर सेव कर सकते हैं। महाराष्ट्र अपनी सरकारी विभागों को अपने डेटा संग्रहण को क्लाउड पर स्थानांतरित करने के लिए आदेश देने वाला पहला राज्य है, ना कि तेलंगाना। कौन सा है? महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसमें आपका केवल दूसरा कथन सही है। केवल दूसरा कथन आपका सही है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के चरण हो गए, स्टेज हो गए, और प्रयुक्त ईंधन हो गया आपका ये। दाबित भारी जल रिएक्टर यानी कि PHWR यानी कि प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेज, प्लूटोनियम 239, गलत है। तीव्र पिजनक रिएक्टर दूसरा चरण स्टेज है, यूरेनियम, ये भी आपका गलत है। उन्नत भारी जल रिएक्टर यानी कि तीसरा चरण, थोरियम, ये आपका सही है। क्या पूछ रहा है? सही सम्मिलित पूछ रहा था, तो केवल तीन आपका सही सम्मिलित है। पहला और दूसरा गलत क्यों है, उस पर अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत के त्रिचरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को 1950 के दशक में होमी भाभा द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? होमी भाभा के द्वारा, जिससे भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा स्वतंत्रता को सुरक्षित किया जा सकता है, यानी कि ऊर्जा के लिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में के मोनाजाइट रेत में पाए जाने वाले यूरेनियम और थोरियम भंडार का उपयोग किया गया है। और आप देखेंगे इसके तीन चरण हैं। कौन कौन से? पहले चरण की अगर हम बात करें, फर्स्ट चरण स्टेज की, तो प्राकृतिक यूरेनियम द्वारा दाबित भारी जल रिएक्टरों में विद्युत उत्पादन किया गया है। किसमें? प्राकृतिक यूरेनियम में, ठीक है। और जबकि उप उत्पाद के रूप में प्लूटोनियम 239 उत्पन्न हुआ है, यूरेनियम 238, प्लूटोनियम 200
39 प्लस ऊष्मा इसमें मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं क्रिया करके उप उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रयोग होता है, दाबित भारी जल रिएक्टर के साथ आप देखेंगे कि जो प्राकृतिक यूरेनियम है इसका उपयोग किया जाता है, प्राकृतिक यूरेनियम का। ठीक है, फिर आपका दूसरा स्टेज, इसमें फास्ट वीडर रिएक्टर, फास्ट यानी कि तीव्र प्रजनक रिएक्टर तथा प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। इसमें प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। तीसरे चरण की बात ही कर ही चुका हूं कि उन्नत भारी रिएक्टर यानी कि AHWR तथा यूरेनियम 233 और थोरियम दोनों का उपयोग, इसमें संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो एक तरह से आप अगर सही सुमेलित करना है तो दाबित भारी जल रिएक्टर में यूरेनियम प्रयुक्त ईंधन है, तीव्र प्रजनक रिएक्टर में प्लूटोनियम 239 है और उन्नत भारी जल रिएक्टर में थोरियम है आपका। ठीक है, इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, सी ऑप्शन, केवल आपने देखा है कि तीसरा कथन इसमें सही था। कौन सा, तीसरा कथन केवल सही था। साइंस टेक का है क्वेश्चन। क्वेश्चन है अगला हमारा, सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पीयूष भारत का सबसे तेज मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है, बिल्कुल सही है। पीयूष मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए समर्पित है, ये भी आपका सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो एक कथन भी सही है, दो कथन भी सही है, इसमें आपके दोनों कथन सही है। सुपर कंप्यूटर एक बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर नेशनल मशीन होती है जो प्रति सेकंड में आप देखेंगे खरबों कमांड को प्रोसेस करने में सक्षम होती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत में भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर पीयूष और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम मेहर का अनावरण किया था कुछ समय पहले। ठीक है, पुणे में स्थित HPC, पुणे में स्थित HPC को पीयूष नाम दिया गया, जिसकी क्षमता की बात करें तो 4 पेटाफ्लॉप है इसकी क्षमता, तथा नोएडा में स्थित HPC को मेहर नाम दिया गया, जिसकी अगर हम लोग क्षमता की बात करें तो 2.8 यानी कि 2.8 पेटाफ्लॉप फ्लॉप की क्षमता है इसकी। ठीक है, याद रखिए ये सभी आपके उपयोग होगा, मानसून होगा, चरम घटनाएं हो गई, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, वायु गुणवत्ता, तड़ित झंझा, मत्स्य, उष्ण एवं शीतल जो लहरें होती हैं, बाढ़, सूखे, इन सब का पूर्वानुमान करेंगी भारत में। ठीक है, तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, सी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, संवर्धित वास्तविकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवर्धित वास्तविकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। साकार, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का संवर्धित वास्तविकता एप्लीकेशन है, जिसे एंड्रॉइड डिवाइसेज के लिए डिजाइन किया गया है, गलत है। भारत का पहला संवर्धित वास्तविकता शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान वाराणसी में स्थापित किया जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही है। क्या पूछ रहा है, सही कथन बताना है, तो आप देख रहे हैं केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है आपका, पहला गलत है। क्यों गलत है पहला, क्योंकि आप देखेंगे साकार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का ऑगमेंटेड रियलिटी अनुपयोग है, जिसे एंड्रॉइड डिवाइस के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, एंड्रॉइड डिवाइस के लिए इसे डिजाइन किया गया है। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, बी ऑप्शन, केवल दो सही था इसमें, एक को हम लोगों ने सही बना दिया। क्वेश्चन है हमारे सामने, अनुवांशिक रूप से संवर्धित GM फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। बीटी कपास भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र GM फसल है, बिल्कुल सही है। भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अनुवांशिक रूप से संवर्धित हाइब्रिड सरसों का विकास किया गया है,
गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका केवल एक कथन सही है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि अनुवांशिक रूप से संशोधित हाइब्रिड सरसों को दिल्ली विश्वविद्यालय के विज्ञानिकों द्वारा विकसित किया है। किनके द्वारा? दिल्ली विश्वविद्यालय के विज्ञानिकों द्वारा। ठीक है, याद रखिए इसे। इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। क्वेश्चन है अगला हमारा, प्रोजेक्ट ब्रेन वेब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट ब्रेन वेब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपका ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित है, AIC, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। माइक्रोसॉफ्ट टीम ने ब्रेन वेव नामक एक गहन शिक्षण विधि मंच प्रारंभ किया है। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है? निम्नलिखित में से कौन नासा के स्फियरक्स मिशन का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? निम्नलिखित में से नासा के, ये है आपका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का एक प्रस्तावित मिशन है ये आपका स्फियरक्स मिशन। इसे कौन सबसे अच्छे तरीके से इसका वर्णन करता है? तो जीवन और ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए समर्पित एक अंतरिक्ष दूरबीन है, दूरबीन मिशन है। ठीक है, इसमें आप क्या लगाएंगे? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कृषि बाजार अवसंरचना कोष के सृजन को स्वीकृति प्रदान की है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। इस कोष का उपयोग किसानों को उनकी उपज के भंडारण के लिए रियायती दर पर ऋण प्रदान करने हेतु किया जाएगा? गलत है। कोष का प्रबंधन नाबार्ड द्वारा किया जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही है। क्या है? दूसरा कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नाबार्ड से भी आपका क्वेश्चंस कई बार बन चुका है। इसकी स्थापना याद रखिए कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। कहाँ? मुंबई में देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका केवल दो कथन सही था, पहला इसमें गलत है। इस कोष का उपयोग किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए नहीं बल्कि ग्रामीण और विनियमित थोक बाजारों में कृषि विपणन बुनियादी ढांचे के विकास और उन्नयन के लिए किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने, नई कॉमर्स नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। नई कॉमर्स नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने एक नया ई कॉमर्स नियामक स्थापित किया है। गलत है। इसके अनुसार जिन विक्रेताओं की ई कॉमर्स कंपनी में कोई हिस्सेदारी है वे अपने उत्पादों को उस ई कॉमर्स कंपनी के पोर्टल पर नहीं बेच सकते हैं। ये आपका बिल्कुल सही है, सही कथन हमें चुनना है इसमें। तो आप देख रहे हैं केवल दो सही है इसमें, पहला गलत है। पहला क्या है? गलत है इसमें। यह नई ई कॉमर्स संस्थाओं के लिए एक नियामक की स्थापना नहीं करती है। ठीक है, ये नई जो आपकी ई कॉमर्स नीति आई हुई है। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? केवल दूसरा कथन सही था, पहला गलत था। क्वेश्चन हमारे सामने, VVIP, सीविजिल और PWD ऐप लॉन्च किए गए हैं, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? कुछ समय पहले आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, चुनाव आयोग से संबंधित हैं ये सभी, चुनाव आयोग से संबंधित हैं। VVIP ये देखेंगे आप लोग, मतदाता पुनरीक्षण और सूचना कार्यक्रम, ये देखेंगे 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था,
इसमें नागरिकों को उनके नाम, नए पंजीयन और ब्यौरे में बदलाव और मतदाता पहचान पत्र में सुधार के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। और दूसरा आपका सिविजिल, सिविजिल ऐप लॉन्च किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा। यह ऐप स्वचालित स्थान मानचित्रण के साथ लाइव फोटो, वीडियो बनाने, आदर्श आचार संहिता या फिर व्यय का उल्लंघन के मामले में समय मुद्रांकित और साक्ष्य आधारित प्रमाण प्रदान करने करता है ये आपका। और तीसरा आपका PWD, एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे विकलांग व्यक्तियों को नए पंजीकरण के लिए अनुरोध करना, पता और अन्य विवरण में बदलाव और स्वयं को PWD के रूप में चिन्हित करने के लिए सक्षम किया गया था। इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित देशों में से किसने अपनी न्यायिक प्रणाली में हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है। निम्नलिखित देशों में से किसने अपनी न्यायिक प्रणाली में हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? तो आप सभी को मालूम होगा कि संयुक्त अरब अमीरात, ये आपने देखेंगे कि हिंदी संयुक्त अरब अमीरात UAE की तीसरी आधिकारिक भाषा बन चुकी है। अरबी और अंग्रेजी के बाद तीसरी भाषा हिंदी, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, कुछ महत्वपूर्ण और उनके आंसर। चलिए तो मिलते हैं हम लोग 15वें टेस्ट में, आपका देखेंगे क्वेश्चंस।